आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू। गोंद और ड्राई फ्रूट से बने हुए ये लड्डू हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। सर्दियों में रोज़ाना अगर हम एक लड्डू दूध के साथ खाते हैं तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा, क्योंकि गोंद में होती हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे आपकी बॉडी में जो पेन है, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द या फिर सर्दी जुकाम, इन सभी चीज़ों से ये क्योर करता है। इवन हमारे हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है उससे भी क्योर करेगा और आपकी स्किन को भी ग्लो कराएगा। ये लड्डू बच्चे और बड़े दोनों खा सकते हैं। तो गाइज, इन सर्दियों में आप ये लड्डू जरूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मारावत और स्वागत है आपका फूड्स लाइफ में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री देख लेते हैं। 50 ग्राम हमने बादाम ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है गोंद। तो ये गोंद हमने 50 ग्राम ले लिया है और ये दिखने में कुछ इस तरीके का क्रिस्टल जैसा होता है और ये बहुत फ़ायदा करता है हमारी बॉडी के लिए। और इसके साथ ही हमने 50 ग्राम काजू ले लिए हैं। काजू हमने साबुत लिए हैं, आप टूटे काजू भी ले सकते हैं। और 50 ग्राम ही हमने अखरोट ले लिए हैं। 30 ग्राम के करीब काली किशमिश ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाइट भी ले सकते हैं, बट ये ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट बॉडी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट है गुड़। ये हमने जैगरी ली है 300 ग्राम और इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अगर आपके पास पाउडर जैगरी है आप वो भी ले सकते हैं। आप खजूर का गुड़ भी ले सकते हैं या फिर शुगर से भी ये लड्डू बना सकते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है, हमने गेहूं का मोटा वाला आटा लिया है और ये हमने लिया है 250 ग्राम। 200 ग्राम के करीब गाय का देसी घी लिया है। बफेलो घी से ये ज़्यादा बेस्ट होता है। और हरी इलायची का पाउडर लेंगे आधा छोटा चम्मच। तो चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भून लेंगे। अखरोट भून रहे हैं हम बिना घी के, मीडियम टू लो फ्लेम में। इनमें अपना ऑयल होता है, भुनने के बाद ये ऑयल रिलीज करते हैं। 1 से 1.5 मिनट हमने इन्हें भुना। अब हम घी ऐड करेंगे इस पैन में। 2 बड़ी कलछी, आप देख सकते हैं कलछी का साइज़। घी को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोंद भून लेंगे। गोंद को थोड़े थोड़े बैचेस में भूनें ताकि इन्हें स्पेस मिल सके फूलने का। घी अच्छा गर्म होना चाहिए तभी ये अच्छे से फूल पाएंगे। और जैसे ही ये फूलने लग जाएंगे, इनका कलर चेंज होने लग जाएगा, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो अब ये फूल चुके हैं और ये पहचानने के लिए कि ये फूले हैं या नहीं, आप इन्हें हल्का सा ठंडा करें, उसके बाद अपने हाथों से इन्हें थोड़ा सा मैश करके देखें, दबाएं इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये मैश हो रहा है इजीली, इसका मतलब ये डन हो चुके हैं, अच्छे से फूले हैं। अब सेम घी में हम काजू को भी फ्राई करेंगे और इन्हें हल्का सा गुलाबी कलर आने तक ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा डार्क नहीं करना होता है, अदरवाइज ये कड़वे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें बस इतना ही गुलाबी करना है। अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे और अब हम बादाम भून लेंगे सेम घी में। घी हमने यहाँ पर बहुत कम यूज़ किया है इस लड्डू में। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा घी भी ऐड करके ये लड्डू बना सकते हैं। तो ये डेली खाने के लिए बहुत ही अच्छे लड्डू हैं और इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, इससे माइंड भी तेज़ होता है, बाकी जो प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी वो भी इससे दूर हो जाती हैं। अब सेम घी में हम काली वाली जो किशमिश ली थी वो भी हम हल्का फूलने तक इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ये स्वेल होने लग जाए हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब सेम घी में हम आटा भून लेंगे। जो गेहूँ का आटा लिया था हमने 250 ग्राम, ये भून लेंगे और गैस की फ्लेम को एकदम सिम कर देंगे। एकदम सिम फ्लेम पे हमें इन्हें गोल्डन होने तक भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने तक। जैसे कि हम कभी प्रसाद के लिए पंजीरी बनाते हैं वैसे ही इन्हें भूनना है। और कोशिश करें कि आटा थोड़ा मोटा ले। चक्की से आप लेकर आएंगे तो आटा आपको मोटा मिल जाएगा और इसे हम हल्की आँच में भूनेंगे तो एक अच्छा सा अरोमा आएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। और एक चीज़ और, जब आप कोई आटा भूनते हैं लड्डू के लिए तो आप एक हैवी बॉटम वाला पैन लें या कढ़ाई लें, उसमें ही भूनें, उससे अच्छी सी खुशबू आती है। और अब हम यहाँ पर नारियल का जो बूरा लिया था हमने वो ऐड कर देंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो नारियल का गोला चॉप करके इसमें डालें, काट कर, उसके टुकड़े बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू में। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भुने हुए ड्राई फ्रूट्स आ गए हमारे पास, तो अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा वाला जार लिया है और इन्हें कोर्सली ग्राइंड करना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसके चंक्स होने चाहिए। तो आप इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर इसे पीसें। तो आप देख सकते हैं आटे में हम यहाँ पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अब सेम पॉट में ही हम गोंद को भी पल्स मोड पे 1 से 2 सेकंड के लिए ग्राइंड करेंगे। इसमें चंक्स होने चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। या फिर आप मैशर, पोटैटो मैशर लीजिए, उससे इसे दरदरा कर सकते हैं या फिर हाथों से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। तो इसे भी हम आटे में मिक्स कर लेंगे। और चलिए अब हम
चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हमने सेम पैन चढ़ा लिया है साफ़ करके, और इसमें हम ऐड करेंगे गुड़, और इसमें सिर्फ दो चम्मच हमें पानी ऐड करना है। आप देख सकते हैं हमने पानी बहुत कम ऐड किया है, और गैस की फ्लेम एकदम कम कर दीजिए, कम फ्लेम पे इसे पिघलाइए, और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनने तक। ये भी नहीं कि ये घुल जाए और हमने गैस बंद कर दी, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ये चाशनी कच्ची रह जाएगी तो आप ये गूंद के लड्डू 1 से 1.5 महीने तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इतना चिपचिपा हमें करना है, और बस गैस फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब हम इस आटे में किशमिश ऐड करेंगे और इलायची का पाउडर आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम है ये, या अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें, और मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं हमें लड्डू मीठे कम चाहिए, तो आप इसमें चाशनी थोड़ी ऐड करें पहले, उसके बाद आप चख लें, टेस्ट कर लें, और उसके बाद बाकी की चाशनी भी ऐड कर दें। तो इतनी चाशनी परफेक्ट है इतने आटे के लिए, इतनी सामग्री के लिए। अब हम इसमें 2 कलछी घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें घी लगा है इस लड्डू बनाने में 4 कलछियाँ। अगर आप ये लड्डू बना रहे हैं अपने बढ़ते हुए बच्चों के लिए, तो आप इसमें 2 कलछी घी और ऐड कर दीजिए, क्योंकि उन्हें आवश्यकता होती है। और अब हम इस लड्डू के मिक्सचर को अपने हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे से। और लड्डू बनाते टाइम एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जो मिश्रण है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा जैसे ही ठंडा हो आप लड्डू बनाना स्टार्ट कर दें, अदरवाइज़ लड्डू बनने में मुश्किल आती है। तो अभी हम इसको देखेंगे बांध कर, ये बन रहा है अच्छे से, इसका मतलब ये परफेक्ट है। और अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू बनाने का तरीका देखें, आप मेरे हाथों पर ध्यान दें कि हम किस तरीके से लड्डू बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको लड्डू का मिश्रण लेना है, और अपनी 4 उंगलियाँ मुट्ठी दबाते हुए इस तरीके से, और 2 उंगलियाँ दूसरे हाथ की ऐसे दबाते हुए इन्हें गोल गोल घुमाना है, बस आपको लड्डू बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये स्टेप अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको लड्डू बनाने में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं, आप ये ज़रूर बनाइए, हेल्दी रहिए। और ये बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 15 मिनट लगे हैं, टाइम भी कम लगता है। ये बनाकर आप 1 से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, रोज़ाना आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में, और हेल्दी रह सकते हैं। तो गाइस, रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। गाइज, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल FoodzLife को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।